जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं या स्टेशन या जंक्शन पे जाते हैं तो एक बोर्ड में लिख दिया जाता है उस जगह का नाम, साथ साथ में ही नीचे में लिख दिया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर मेरे पास एक खेत है और खेत को हम लोग मेजर करना है, मेजर करने और आरी उसमें नहीं है, तो आरी नहीं है तो उसको मेजर करने के लिए क्या करेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट को खोजना, क्या करेगा उस फिक्स्ड पॉइंट को खोजेगा। और फिक्स्ड पॉइंट अगर बगल में घर या कुछ नहीं है तो उसके लिए क्या करेगा, एक रोड खोजेगा। अगर रोड नहीं है तो रेलवे ट्रैक खोजेगा, रेलवे ट्रैक नहीं तो किसी का घर खोजेगा। उस घर से क्या करेगा, कड़ी वाइज नापते आते हुए आपके आपके जमीन को आपको आपके हवाले कर देगा कि इस तरह से आपका इतना लेंथ है यहाँ से यहाँ और ब्रेथ है, इस तरह से कर देगा। लेकिन अगर हमको उसी खेत को हाइट को नापना है, ये तो लेंथ ब्रेथ नाप आ गया, और अगर उसी खेत को हम लोग को अगर हाइट को नापना है तो हाइट को मेजर करने के लिए, हाइट को मापने के लिए हम लोग कहाँ से मापेंगे, जो हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ क्या है, एक गोल आकार का है। तो गोल आकार का है तो हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे कि उनका जो है उस खेत का हाइट भी मेजर हो जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया। उस दिमाग में कि अगर हम जानते हैं कि समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है समुद्र का पानी, तो वहां से अगर हम उसको हाइट को मेजर करें, इस लंबे हाइट को मेजर करें तो वहां से मेजर हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, वो हमेशा फॉलो अभी तक हो रहा है। जब हम लोग रोड बनाते हैं तो वही साइंटिस्ट का फॉलो किया हुआ हम लोग रोड बनाते हैं, या रेलवे ट्रैक को बिछाते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए बिछाते हैं। साथ साथ में जब हम लोग छत के, जो मेरा छत होता है, तो क्या करते हैं, इस जमीन से मेजर करते हैं कि मेरा जमीन जो है 12 फीट है। नहीं तो अगर हम लोग खेत को मेजर करना है तो समुद्र तल से मेजर किया जाएगा। तो समुद्र तल, इसलिए इस देखिए यहाँ इस बोर्ड में लिखा हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब होता है कि समुद्र से मेजर किया हुआ। तो देखिए यहाँ है मुगलसराय जंक्शन में लिखा हुआ रहता है मीन सी लेवल मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, MSL लिखा हुआ रहता है। देखिए वहाँ MSL जो है 79.2 मीटर, ये इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, जो हाइट को क्या करते हैं मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर में मेजर, तो ये मुगलसराय का MSL जो लेवल है समुद्र तल से ऊंचाई 79.2 मीटर है, और यही न्यू दिल्ली का MSL जो है एक 214.4 मीटर से। तो इस ये हमेशा मीटर्स में मेजर किया जाता है हाइट को, और उस और जो है पुणे जंक्शन में है जो 550 मीटर है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट है उन जगह को, उनको हम लोग नोट कर लिए इसलिए कि लगभग सारे लोग इस जगह को जानते ही होंगे, इसीलिए इसको नोट कर लिए। देखिए तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बोर्ड होता है ये क्यों लिखा जाता है, या पैसेंजर के लिए लिखा जाता है, या लोको पायलट के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है। तो देखिए ज्यादातर इंडिकेटर जो है सारे तो लोको पायलट के लिए ही लिखे जाते हैं, तो ये जो लिखा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई ये किसके लिए लिखा जाता है, पैसेंजर के लिए लिखा जाता है या लोको पायलट ड्राइवर यानी ड्राइवर के लिए लिखा जाता है। तो सारे जो इंडिकेटर होते हैं वो सारे जो होते हैं लोको पायलट के लिए ही लिखे जाते हैं, तो ये भी जो है लोको पायलट के लिए ही लिखा गया है। इसलिए कि अगर हम लोग को जाना है, देखिए सपोज मान लीजिए कि ये रूट है या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखिए अगर जाना है हम लोग को दिल्ली से मुगलसराय, तो मुगलसराय जाने के लिए क्या है, इसकी MSL मीन सी लेवल जो है 79.2 मीटर है और यहाँ 214.4 मीटर है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका जो हाइट हम लोग को जाना रहता है मुगलसराय से न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से मतलब कि इस तरह से आता, क्योंकि यहाँ अगर इस जगह पे है मुगलसराय, तो यहाँ क्या करना पड़ता, चढ़ाव पड़ता, मतलब कि चढ़ना पड़ता है बहुत ऊंचा। तो इसके क्या करता है ये स्पीड को, लोको पायलट जो है ड्राइवर ये स्पीड को बढ़ा देता, इस स्पीड को बढ़ा करके ये फिक्स टाइम पर पहुंच जाता। तो इसीलिए लिख दिया जाता है कि अगर कोई भी लोको पायलट है जो इसको देख के वो अपना अनुमान से स्पीड चलाए और
वो अपना फिक्स्ड टाइम पे पहुंच। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, जय हिंद।